दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर हम सोने से पहले कोई शब्द बोल दें तो बिना कुछ किए करोड़ों कमा सकते हैं? कहीं से कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए कि हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और अचानक से इतना पैसा बरसने लगेगा कि हम संभाल नहीं सकेंगे। पैसा बरसने का मतलब ये नहीं है कि बारिश होने लगेगी, बल्कि ऐसा है कि आपके जो पैसे लाने के जो सोर्सेस हैं वो खुल जाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी पूरी बात को ढंग से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में, भागती हुई दुनिया में, हर कोई शॉर्टकट चाहता है, बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए ऐसा चाहता है। तो हाँ, ये हो सकता है बिना कुछ किए, केवल कुछ शब्दों की वजह से पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर सकारात्मक हो सकता है, लेकिन बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी को ही पूरी तरह से समर्पित होता है। ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन किन चीज़ों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। आप कर्ज की समस्या, धन प्राप्ति की समस्या के लिए हजारों पंडितों के पास जाते हैं, जो कि आपसे हजारों रुपए ले लेते हैं और अलग अलग उपाय बताते हैं, लेकिन जो सही उपाय होता है वो कोई नहीं बताता है, क्योंकि अगर उन्होंने सही उपाय बता दिया तो फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन हम आपको बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आप डे बाय डे अगर करते हुए चलेंगे तो आप फुल्ली सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, फुल्ली सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर जॉब वाले बन सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह का दिन होता है, जो कि लग्जरी का ग्रह भी माना जाता है। जिन लोगों को अपने जीवन में सुख समृद्धि की आवश्यकता होती है, उनका शुक्र ग्रह मजबूत होना बहुत ही आवश्यक होता है। शुक्र ग्रह की कृपा होगी तभी आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो पाएगी। जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है, खास करके धन संबंधी जो भी कार्य करता है, तो उसमें निश्चित ही उसे लाभ प्राप्त होता ही होता है। और शुक्र ग्रह के ही अच्छे होने से जीवन में आकर्षण और सम्मोहन बहुत ही दुगनी तेजी से बढ़ता जाता है, जिसकी सभी लोग आपसे आकर्षित होते हैं और हर कोई आपकी तारीफ करता है। आपको मैं बता दूं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी होती है, कोई भी व्यक्ति उसे पसंद नहीं करता है, बात बात में उसका सबसे झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे में उनका जो शुक्र ग्रह होता है वो बलवान नहीं होता है, बेहद कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनके हर काम में जो है अड़चने आने लगती है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग कुछ मेहनत नहीं करते, लेकिन उनका भाग्य उन पर पूरी तरह से मेहरबान होता है। थोड़ी सी मेहनत करते हैं और सफलता भर भर के उनके ऊपर आती है। और कुछ लोग होते हैं आप जैसे लोग, जो मेहनत तो दुगनी तिगनी करते हैं, लेकिन समस्याएं अंत नहीं होती है, हर तरफ से समस्याएं उमड़ उमड़ कर आपके ऊपर आती रहती है। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को समझते हुए चलिए, जिससे सभी लोग आपको पसंद करने लगे और जीवन में धन प्राप्ति के सभी मार्ग आप पर खुल जाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खास प्रयोगों के बारे में, जिनको करने से शुक्र ग्रह बलवान होता है और जीवन में लग्जरी वाली सभी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती चली आती है। लेकिन एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो आप सभी ने कर ही दिया होगा, आप सब तो जानते ही हैं कि मैं किस तरह से आप सभी को टाइम टू टाइम मार्गदर्शन देती हुई आ रही हूँ। तो दोस्तों, आपने खुद ने भी कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि कार्य बहुत कम करते हैं, लेकिन उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वे जिस भी चीज़ को काम करने के लिए उठाते हैं, उसमें उन्हें सफलता जरूर मिलती है। हर तरफ से जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है, प्रेम की कोई कमी नहीं होती है। और खासकर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है, तो ऐसा व्यक्ति धोखेबाज भी हो जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपके जीवन में सुख की कमी है, समृद्धि की कमी है, प्रेम की कमी है, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो शुक्र ग्रह है वो बेहद कमजोर है।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, दोनों आंखों के बीच में जहां पर हम बिंदी लगाते हैं या फिर तिलक लगाते हैं, जिसे तीसरी आंख भी बोला जाता है, बस वहीं पर आपको अपना कार्य करना है। आपको किसी भी तरह की पूजा पाठ की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि शुक्रवार के दिन से इसे शुरू करना है और आपको इलायची लेनी है। सभी के घरों में, रसोई घर में आसानी से आपको इलायची मिल जाएगी। इलायची को लें और उसे जलाएं। उसको जब आप जलाएंगे तो उसमें से कालिख निकलेगी और जलने के बाद जो राख आखिर में निकलेगी उसमें थोड़ा सा आपको घी मिलाकर रोज रात को शुक्रवार से शुरू करते हुए आपको अपने तीसरी आंख वाली जगह पर इलायची की राख के इस तिलक को लगा लेना है और फिर आपको सोना है और रोज रात को आपको इस प्रयोग को करना है। जैसे ही आप ये उपाय करना शुरू करेंगे, यकीन माने दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आपके जो सपने हैं, आपको धन संबंधी जो भी धन से जुड़े हुए सपने तो आते ही होंगे, तो वो जो धन की समस्याएं हैं वो सपने में ठीक होती हुई नजर आने लगेंगी। और जब आपके सपनों में ऐसा दिखने लगे कि आपकी धन संबंधी परेशानी जो है वो दूर होने लगी है, मिट रही है, तो धन की समस्याएं दूर होने लगेगी, धन का जीवन में आकर्षण होने लगेगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि रोजाना आपको इस प्रयोग को करते जाना है, बीच में रोकना नहीं है। दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन आप पानी की एक बोतल ले लें और बोतल को देखते हुए श्रीम बीज मंत्र का आपको जाप करना होगा। पानी की आप बोतल भरी हुई ले लें और उसको देखते रहें और देखते समय ही आपको श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। श्रीम बीज मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। इस मंत्र का खास प्रभाव शुक्रवार के दिन ही होता है। आपको पानी को देखते हुए कम से कम आधे घंटे तक आपको श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। श्रीम बीज मंत्र जो है वो आपको स्क्रीन पर पूरी तरह से दिख रहा होगा। आप चाहें तो इसे किसी कॉपी पेन में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करें, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो तुरंत समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से और एकदम 100% काम करने वाला उपाय आपको बता रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं सबके कमेंट्स का जवाब देती हूँ। आप मेरे पुराने वीडियोस में जाकर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जिसने प्रश्न किया है मैंने सभी के उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ सुबह 6 बजे के करीब वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ से चैनल में जाकर भी हमारे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और तमाम प्रकार की मुश्किलों को दूर करने के उपाय मैं आप सभी को बताती हूँ। साथ ही साथ तीज त्यौहार से जुड़ी हुई विशिष्ट जानकारियाँ आप सभी तक लाने का प्रयास करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।